अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोटरवे पुलिस में अनाउंस होने वाली नई जॉब्स के बारे में, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आप शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। दोस्तों एक हफ्ता पहले भी मोटरवे पुलिस में जॉब्स अनाउंस हुई थी, आप हमारे चैनल पर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली वीडियो जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी अभी तक डेट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नई आने वाली जॉब्स के बारे में, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी का लिंक आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे और आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर सर्च करना है जॉब बाजार 22, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पहले लिंक को जहाँ पर 22 लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जॉब्स, एडमिशन, प्राइवेट जॉब्स, स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल जॉब्स के अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो आप इस ब्लू कलर के फॉलो बटन को प्रेस कर लें या फिर सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई अपडेट हो आपके पास उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मोटरवे पुलिस जॉब्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगी और इसका एड भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी लार्ज ऐड है, ये आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ऐड को डाउनलोड करने का, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और ये जो ऐड है ये आप डेली मशरक न्यूज़पेपर और संडे के जो 17 नवंबर संडे के न्यूज़पेपर है उसमें भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऐड को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये ग्रेड 1 से 5 तक ये पोस्ट हैं सिविलियन स्टाफ की और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 330 और पोस्ट है, इसमें डिसेबल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, माजूर अफराद। तो सबसे पहले इसमें सेक्टर्स हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्टर नज़र आ रहे हैं तो इनमें ये जॉब्स हैं। सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी पोस्ट कहाँ पे हैं। सबसे पहले डिस्पैच राइडर और इसके आगे सेक्टर है, कौन से सेक्टर में कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, अर्डली है, हेल्पर है, बार्बर है, माली है, इसके अलावा कुक, हेल्पर और खाकरूप, धोबी और हेल्पर की इसमें पोस्टें हैं। तो ये सारे इस मोटरवे पुलिस मोटरवे के जो सेक्टर हैं यहाँ पे ये जॉब्स हैं और डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पर ये आपको इसका कोटा नज़र आ रहा है। तो इसकी सीटें आप टोटल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है ये सबसे पहले आपका सेक्टर जो यहाँ पर आपको सिटी नज़र आ रहा है, अगर आपके पास इन सिटी का डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अटक जो है हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, ठीक है, इनका सेक्टर है E35 सेक्टर 1, ठीक है। आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है जहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपने इस एड्रेस पे सेंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, मियाँवाली, DI खान, लकी मरवत, आप लोगों ने भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने अपनी एप्लीकेशन जो है इस पता पे जो है वो सेंड करनी है। इसके अलावा जो मज़ीद सेक्टर इसमें हैं उनके आगे जो सिटीज़ लिखी हुई हैं उनके आगे एड्रेस लिखा हुआ है, आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो इस एड्रेस पे सेंड करनी है यहाँ पे। इसके अलावा जो भी सेक्टर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उसके आगे सिटीज़ मैंशन है, आप लोगों का डोमिसाइल अगर इन सिटीज से है तो उसके आगे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन सेंड करनी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके अलावा मज़ूर अफराद जो हैं पूरे पाकिस्तान से, आप कहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप पूरे पाकिस्तान से आप अपने एप्लीकेशन जो है वो इस एड्रेस पे सेंड करेंगे। ये उनके लिए है जो सिर्फ डिसेबल पर्सन हैं, आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो इस एड्रेस पे सेंड करनी है आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, डिस्पैच राइडर ग्रेड 5 है, प्राइमरी पास वाले हों और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। मकैनिक है, मिडिल पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, मिडिल पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लम्बर है इसमें मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, अर्डली है इसमें मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, हेल्पर है मैट्रिक पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, बार्बर, माली और इसके अलावा कुक और इसके अलावा हेल्पर, खाकरूप, धोबी और हेल्पर के लिए इसमें प्राइमरी पास वाले इसकी क्वालिफिकेशन है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक इसमें एज है, एज की रिलैक्सेशन 5 साल तक है, मतलब आप ये समझ लें कि 18 से 30 साल तक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये ऐड का पार्ट नंबर 1 है, आप पार्ट नंबर 2 को यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, अभी आपके सामने ओपन हो जाता है।
ये यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको दिखा देते हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्ण करना है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने लगाने हैं, फोटोकॉपीज अपने डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट बाद इसको आपने यहाँ से बैक कर लेना है। यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आपने कर लेना है प्रिंट यहाँ से। ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपने इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये भी आपके सामने ओपन हो जाता है, इसका आपने कर लेना है प्रिंट, इस एप्लीकेशन फॉर्म का इसको फिल करना है सारा, ठीक है। और जो एड्रेस आपका है मुतलका ज़िला का, आपने उस एड्रेस पे सेंड कर देना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसको आपने फिल नहीं करना है, फॉर ऑफिस यूज़ ऑनली, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको आपने एप्लीकेशन नंबर पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे जो है पोस्ट का नाम ग्रेड 5 यहाँ पे लिखना है, असामी के नाम सेक्टर लिखना है, कौन सा सेक्टर है आपका। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए लेना चाहते हैं आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। इस सारे को आपने फिल करना है, अपना डेट लिखनी है, सिग्नेचर लिखना है, और जो भी आपके हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ लगाकर आपने मुतलका जो आपका सेक्टर है, एड्रेस है, वहाँ पे आपने सेंड कर देना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।